कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब सीएम पद से इस्तीफा दिया तब नवजोत सिंह सिद्धू ने भांगड़ा किया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सिद्धू ने कांग्रेस की ऐसी तैसी कर दी। शिवसेना की नजर में सिद्धू की वही हैसियत है जो कांग्रेस के दूसरे नेताओं की नजर में है। सिद्धू विरोधी और गैर भरोसेमंद है। अपने मुख्य पत्र सामना में उद्धव ठाकरे ने सोनिया गांधी को ताजा ज्ञान दिया है। शिवसेना ने सामना के जरिए कहा है कि कांग्रेस को नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की खुशामद से कुछ भी नहीं होगा। शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस को उफान मारकर मैदान में उतरना चाहिए। इस दौरान सामना में अध्यक्ष पद को लेकर कपिल सिब्बल की हां में हां मिलाते हुए भी सुझाव दिया गया है। सामना ने लिखा है कि कांग्रेस को एक फुल टाइम अध्यक्ष की जरूरत है। सामना ने कहा है कि लोगों की भावना है कि कांग्रेस राजनीति में नई चेतना की बहार लाए। इस दौरान सामना ने लिखा कि दिमाग ही नहीं होगा तो शरीर का क्या लाभ। मतलब साफ है कि सामना ने यह निशाना गांधी वाड्रा परिवार पर लगाया है, जिनके पास दिमाग की कमी होने का आरोप कैप्टन से लेकर नटवर सिंह तक लगा चुके हैं। सामना ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, ऐसी आशंका कई लोग महसूस कर रहे हैं। महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस का विसर्जन हो रहा है। क्या ऐसा खुशी का उबाल भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है। सामना ने लिखा कि पिछले 7-8 साल में कांग्रेस की अवस्था ठीक नहीं है। शिवसेना ने सलाह देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के तूफान के आगे और बीजेपी के विस्तार के कारण कांग्रेस की हालत पतली हो गई और कांग्रेस के खेमे के बचे खुचे सिपा सलाहकार छोड़कर जाने लगे। पंजाब सूबा इस वक्त जड़ से हिला हुआ है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनका नया मंत्रिमंडल सत्ता में आया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस बदलाव पर पेड़े बांटे। नवजोत सिंह सिद्धू को विरोधी करार देते हुए सामना ने लिखा कि अमरिंदर के हटने के बाद उन्होंने भांगड़ा किया, लेकिन विद्रोही अविश्वसनीय सिद्धू ने अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर अपनी ही पार्टी के समक्ष संकट बढ़ा दिया है। सिद्धू के हमेशा ही खिटपिट के कारण अमरिंदर को दूर कर दिया गया, अब सिद्धू भी गए। कांग्रेस से सवाल पूछते हुए सामना ने लिखा कि कांग्रेस के हाथ में क्या बचा। अमरिंदर दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। अमरिंदर भाजपा में जाएंगे ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन ऐसी आशंकाओं पर खुद अमरिंदर ने पूर्ण विराम लगा दिया है। लेकिन मैं कांग्रेस में भी नहीं रहूंगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है। ऐसे में वे खुद अपनी नई पार्टी स्थापित करके कांग्रेस को गड्ढे में धकेलेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।